कन्या थी जिसका नाम था शकुंतला, विश्वामित्र जी की पुत्री थी वह, पर पालन कण्व मुनि ने किया था। एक ब्राह्मण के यहाँ पल रही थी, ब्राह्मण के आश्रम में, और थी क्षत्रिय की कन्या, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनकी कन्या थी। दुष्यंत महाराज जब गए वहाँ तो उस लड़की ने बहुत सुंदर स्वागत किया, खिलाया पिलाया, और पिताजी नहीं थे, कण्व मुनि नहीं थे, उसको देख करके दुष्यंत महाराज कहते हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और किस गोत्र की हो। तो एक बात दुष्यंत महाराज ने कह दिया, तुम निश्चित क्षत्रिय हो, अन्यथा मेरा मन तुम में जा नहीं सकता था, मेरे मन में कुछ आकर्षण हो रहा है, आसक्ति हो रहा है, इसका अर्थ है कि तुम क्षत्रिय की बेटी हो। और कहते हैं, नहीं चेत पौरवाणाम अधर्मे रमते कुचित, पूर्ववंशियों का मन, जो जदु महाराज के पुत्र थे, पूर्व महाराज जजाति के पुत्र थे, पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म में जा ही नहीं सकता है। नहीं चेत पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित, वैसे कहा तब शकुंतला ने कहा कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ, मेरा जन्म मेनका से हुआ, मेनका भी हमको छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र भी भाग गए, 60 बरस समाधि में बैठे थे, और मेनका आई स्वर्ग से इंद्र के भेजने से, इनके आश्रम पर थोड़ा पायजेब बजा दी, बस इतने में ही समाधि खत्म हो गई। 60 बरस की समाधि में एक कन्या को जन्म दिए, उसके साथ संग किए और गर्भवती हुई, तुरंत तुरंत लड़की हो गई। देवताओं के यहाँ देर नहीं होती है, तो उसने जन्म दिया। वो तो कभी पालने वाली थी नहीं, वो आई थी इंद्र के अनुशासन से तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र को डर था कि विश्वामित्र जी स्वर्ग में आएंगे तो हो सकता है हमारा पद छीन लें तपस्या के बल से, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई। तपस्या तो भंग हो ही गई, बच्ची हुई, तो ये दोनों इतने निर्मम थे, विश्वामित्र भी भाग गए अपना आसन गोल करके और वो भी स्वर्ग चली गई। तो शकुंत नाम के पक्षियों ने पंख की छाया किया उस बच्ची पर, छाया किया, तो इससे बच्ची थी, जीवित थी, तो उसको शकुंतला नाम दिया गया। वन में कण्व मुनि घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक बच्ची, तो उसको उठा करके अपने आश्रम में लाया, उन्होंने पाल पोष करके उसको बड़ा किया। तो दुष्यंत महाराज कहे कि पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म में नहीं जाता है, यह अवश्य क्षत्रिय की पुत्री है, तभी मेरा मन जा रहा है। तब शकुंतला ने कहा कि हाँ, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री। तो महाराज दुष्यंत ने गंधर्व विधि से विवाह किया। गंधर्व विधि का मतलब होता है, आज कल उसको लव मैरिज कह देता है, लेकिन ये लस्ट मैरिज है वास्तव में, ये लव मैरिज नहीं। लेकिन गंधर्व विधि विवाह का अर्थ प्रभुपाद जी ने लव मैरिज किया है, लड़की का और लड़के का आपस में मन मिल गया, उन्हें विवाह कर लिया। लेकिन विवाह वो भी विवाह है, बहुत पवित्र विवाह है, लड़का अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, और लड़की किसी भी पुरुष से नहीं, वो भी विवाह है। इस प्रकार तो संत महाराज ने विवाह किया, लेकिन विवाह तो हुआ, पर लड़का हुआ जिसका नाम हुआ भरत। तो शकुंतला जब भरत को लेकर के राजा दुष्यंत के पास गई और कही, मैं महाराज से भेंट करना चाहती हूँ, जब भेंट की तो कहे कि महाराज आपका पुत्र है, आप इसे स्वीकार कीजिए, और मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मेरे साथ विवाह किया। लेकिन महाराज दुष्यंत लोकापवाद से डर गए, कहाँ भेंट हुई थी, कहाँ भी पुत्र हुआ था, सब दुनिया लोक का मुख बहुत खराब है, क्या क्या कहेंगे। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम मेरी पत्नी हो,
और मेरा बेटा है। तो उस समय महाभारत में लिखा गया, बहुत विलाप करने लगी शकुंतला, मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ। तो उसी समय आकाशवाणी हुई उस राज दरबार में, आकाशवाणी हुई सिद्ध है कि महाराज दुष्यंत, यह आपकी धर्म पत्नी है और यह आपका औरस पुत्र है, इसको आप स्वीकार कीजिए, आप इसका भरण कीजिए। उसी भरण करने के कारण उस बच्चे का नाम भरत पड़ा। महाराज दुष्यंत ने स्वीकार किया। इसी भरत वंश में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि का जन्म हुआ था। लगभग एक ही वंश के थे सब लोग। भगवान कृष्ण भी जन्मे थे, जजाति महाराज के जदु पुत्र थे सबसे बड़े, इसके बाद अनु, द्रुहि, तुर्वसु और पुरु। तो पुरु के वंश में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सब जन्म लिए थे बाद में, और जदु महाराज के वंश में स्वयं भगवान जन्म लिए। तो लगभग एक ही वंश हुआ, लेकिन इस तरह से पुत्रों के भेद से गोत्र चला। तो भगवान श्री राम की बात में कह रहा था कि वे लक्ष्मण जी से बात करने लगते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहीं। बाद में भगवान ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने के बाद सीता जी ने वरमाला डाला भगवान के गले में, विवाह किए। जेहि सपने हूँ पर नारी नहरी, पर नारी को नहीं बोला भगवान, मनुष्य भाव से बोल रहे हैं, मनुष्य का धर्म सिखा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण मर्यादा के अवतार नहीं थे, खुलम खुला साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान थे। इसलिए जो किए हैं ब्रज में तो भगवान की लीला किए हैं, न कि मनुष्य की लीला किए हैं। भगवान ऐसा होता है, यदि सच्चा भगवान देखना हो, भगवान कैसा होता है, तो कृष्ण को देखिए, इसको भगवान कहते हैं। इसीलिए सब लोगों ने स्वीकार किया। कई विद्वान जैसे क्रिश्चियनिटी में विद्वान हैं पहले के, वो लोग खुलम खुला स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान हैं। और इस्लाम में भी कई ऐसे विद्वान हुए हैं जो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के भगवत्ता पर संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि मर्यादा में दबे हुए हैं। एक बार उन्होंने विराट रूप दिखाया माता कौशल्या को पलना झूलते समय, यहाँ वहाँ दो बालक देखा उस प्रसंग में, और माता कौशल्या को मना किया कि माता जी मत किसी से कहिएगा कि मैं भगवान हूँ, किसी से मत कहिएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी मना नहीं किए यशोदा जी को, जिसे कहना हो नहीं कहना, जो करना हो करो। दुर्योधन को दिखाया विराट रूप, उत्तंक ऋषि को दिखाया, अर्जुन को दिखाया, तो किसी को मना नहीं किया कि मत फैलाना कि मैं भगवान हूँ। और जब वे थे इस पृथ्वी पर विद्यमान, उनके बचपन में ही सब जगह प्रचार हो गया कि कृष्ण भगवान है। यहाँ तक ब्रह्मा जी आते थे भेंट करने वृंदावन में, भगवान शिव आते थे, इंद्रदेव आते थे, सनत कुमार आदि आते थे, सब लोग जाते थे। द्वारका में तो वे ऐश्वर्य में रहे ही, जब माधुर्य की लीला कर रहे थे तब भी सब लोग दर्शन करने आते थे। बच्चे गांव में पहुंचने पर, ब्रज में पहुंचने पर, गाय चराने के बाद बड़े चकित होकर कहते थे, आज पता नहीं कौन देवता आया था, बहुत सांप लगाया था अपने गले में, बहुत भारी जटा थी, और वो कृष्ण के चरण में लुट रहा था, ये कहाँ का है, कहाँ से आया था, ये बच्चे नहीं जानते थे। जाकर अपनी माँ से कहते थे, डमरू बजा रहा था, नाच रहा था, तब माता जी लोग समझ लेते, अरे भगवान शिव आए होंगे कैलाश। तो ये माताएं क्या जानती थीं, हाँ कृष्ण बहुत सुंदर है, उसको देखने के लिए आए होंगे। परम ईश्वर है, स्वयं भगवान है, उसको प्रणाम करने आए हैं, ये बात तो लोग नहीं समझ पाते। सब कृष्ण के आगे धूली में लुटते हैं, हटते भी नहीं हैं, चलने में दिक्कत होती है कृष्ण को।
गोचारण करके आते समय देवता लोग सब प्रणाम करते थे, फिर स्वर्ग चले जाते थे और फिर दूसरे दिन विमान से आ जाते थे, प्रतिदिन आते थे वृंदावन। आज देखा वो चार मुंह वाला एक आया और चारों मुंह से कृष्ण के विषय में कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कौन भाषा बोल रहा था। तो संस्कृत बोलते हैं ब्रह्मा जी, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भगवान, तो चारों मुंह से कोई ना कोई गुण गाते थे और मुड़ी घुमा घुमा करके सब ओर से प्रणाम करता था, चारों सिर से प्रणाम करना था ना। ये सब बच्चे आकर के कहते थे। एक देवता आया, वो हाथ में बहुत बड़ा हथियार लिया था, वज्र को कहा था, पता नहीं उस हथियार का क्या नाम है, कुदाली भी नहीं था, फावड़ा भी नहीं था, टांगी भी नहीं था, पता नहीं क्या था लिया था। बहुत तेज धार थी उसमें, वो भी लौट रहा था। इसको देख कर तो और आश्चर्य हो गया भैया, उसके शरीर में सब और केवल आंख थी, 1000 आंख इंद्रदेव के शरीर में है, सब जगह है आंख, सब जगह है आंख, और सब आंख को खोल करके भगवान कृष्ण को देख रहा था और कृष्ण उन लोगों से पता नहीं क्या बात करता था, फुसुर फुसुर बात करके और फिर गौ हाँक करके चला। बात क्या करते, ब्रह्मा जी पूछते थे ठीक से सृष्टि हो रही है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना, असुर नहीं ना सता रहे हैं, इंद्र से पूछते थे, असुर नहीं सता रहे हैं ना, कुछ बोलते होंगे इंद्र, तो ये बच्चे आकर के कहते थे, पता नहीं क्या एकांत में बात करते हैं। और हम लोग कहते थे कन्हैया चलो देर हो रही है, शाम हो रही है, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, प्रणाम करते लौटते रहते थे। ये नित्य की घटना थी, और जा करके स्वर्ग में भगवान की लीलाओं को कहते थे अपने अपने लोक में, भगवान शिव कैलाश में और भगवान ब्रह्मा जी सत्य लोक में, जा जा करके ये सब लीलाएँ कहा करते थे। उसी समय विख्यात बात है, तो भगवान श्री कृष्ण की हंसी और उनका मटकी मारना, भाव से इशारा करना, ये भगवान राम से बिल्कुल भिन्न था। मैं ये बात कह रहा था, ये तो सीधा चलते ही नहीं थे, चल रहे हैं इधर तो देखते थे, इधर इधर देखते थे, कभी पीछे मुड़ करके देखते थे, कहीं बांसुरी बजाकर गाने लगते थे। और भगवान श्री राम और विष्णु भगवान तो बड़े सीधे साधे खड़े रहते, तो कहीं इधर उधर नज़र कर ही नहीं सकते। भगवान राम इतने मर्यादा में हैं कि उनसे किसी से बात ही नहीं करेंगे। लंका से एक स्त्री गई थी, बात करना चाहती थी सुपर्णखा, तो कोई प्लान से नहीं आई थी, घूमते घूमने आई थी पंचवटी, बॉम्बे घूमने आई होगी, घूमते घूमते नासिक पहुंच गई। तो पंचवटी से गई एक बारा देखी, जुगल देख विकल भाई जुगल कुमार, उन दोनों कुमारों को देखी तो विकल हो गए, उसमें भी जब राम को देखा तो सोची कि इसके साथ विवाह करना चाहिए, तो सोची बहुत संभल करके बोलना है, तो राम से कहती है तोसम पुरुष नमोसम नारी यह संयोग विधि रचा विचार। ब्रह्मा जी सब इंगेजमेंट काम छोड़ करके और हम दोनों की जोड़ी के विषय में विचार किए, हम तो हमारे युग तुमको बनाए, तो पहले हमको बनाए होंगे, मैं परम सुंदरी हूँ, सुंदरी बनकर गए तो हमारे लायक वर सोचे कौन है, तो तीनों लोगों में कोई वर उनके नज़र में नहीं आए, तब अपना चारों दिमाग लगा करके तुम्हारी रचना किए। तो मेरे जाए लायक कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैं कुंवारी रह गई अब तक। जब तुमको देख रही हूँ तब कुछ कुछ
मन मान रहा है कि इससे विवाह करना चाहिए, मतलब तुम मेरी जोड़ के कुछ कुछ हो। अब क्या करूँ, तुमसे भी ना विवाह करूँ तो जीवन भर कुंवारी रहना पड़ेगा, इसलिए बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो तुम्हारे साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान तो बड़े सुशील हैं, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, आपके साथ विवाह करना उचित है, लेकिन आप देख ही रही हैं, हम एक वाइफ रखे ही हैं, यही आई है साथ में, हट कर गई अयोध्या से आ गई साथ में, तब ये है तो हम विवश हैं, हम दो दो स्त्री का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। एक तो वन में रह, मेरा कोई राज नहीं है, वन में गुजारा कर रहे हैं, तो दो दो स्त्री लेकर के घूमे, हमको ऐसा फेर में मत डालिए, हम विवश हैं। लेकिन बहुत बहुत मधुर बोल रहे थे। भगवान ने कह दिया ये हमारा भाई है, ये बिना स्त्री के आया है, हो सकता है इसको सेवा वा की जरूरत पड़ेगी, इससे इससे विवाह कर लीजिए। तो उसने सोचा कि बेचारा ये सांवला लड़का ठीक कह रहा है, बहुत मधुर भगवान बोलते थे। तो लक्ष्मण जी के पास गई, कहे कि तुम मुझसे विवाह कर लो। वो तो नहीं कर रहे हैं, उनको सीता उनकी पत्नी है, तुम कर लो, मैं रोज मसाज करूंगी, सेवा करूंगी सब तरह से। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, तुमने जो सोचा है ठीक सोचा है, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओ, वे हैं अयोध्या के राजा और मैं हूँ उनका दास, अगर तो उनके साथ विवाह होता है तो रानी बनोगी और मेरे साथ विवाह होगा तो दासी बन जाओगी, क्षण भर में केव अपना भाग्य बिगाड़ रहे हो, उनसे विनय करो। राजा लोग कई स्त्री रखते हैं, राजा लोग कई स्त्री रखते हैं, उनसे कहो। और राम और लक्ष्मण साथ ही थे, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो रख लेंगे, राजा लोग रखते ही हैं ना कई स्त्री। मैं तो स्वयं ही दास हूँ, तो दासी लेकर के बाहर चलूँ ठीक नहीं है। तो फिर राम के पास गई, नहीं वो तो दास है, वो तो मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भगवान ये कहीं बात बोल रहे थे, हम तो विवश हैं, हम इस वन में अपना दिन काट रहे हैं, 14 वर्ष रहना है, 14 वर्ष के बाद में राजा बनेंगे, वो भी पता नहीं बनेंगे कि नहीं, तो 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, ठीक है दासी ही रहोगे, आखिर विवाहता तो हो जाओगी ना। फिर लक्ष्मण जी के पास चलिए, लक्ष्मण जी फिर राम के पास भेज दिए, राम फिर लक्ष्मण के पास भेज दिए। तो उसने अंत में विचार किया, राम के पास आई, जब राम ने कहा कि हम तो भाई विवश हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारे पिताजी 3 विवाह किए थे कि मर ही गए 3 के चक्कर में पड़ करके, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, एक पत्नी व्रत धरा भागवत में कहा गया है भगवान राम, उनसे ही प्रयास करो। तो जब 4 बार 5 बार लक्ष्मण जी के पास गई, तो लक्ष्मण जी ने कह दिया तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लाज शर्म घोर करके पी गया, चली है मैरिज करने। तो जब ठीक कहा उन्होंने, जब एक पर रिजी होते, एक ही के पास रहो, क्यों इसके पास। तुमसे वही विवाह करेगा जो निर्लज होगा। तब तो वो बहुत क्रोधित हो गए कि ये लड़का खराब है, इसे तो विवाह करना नहीं, विवाह के पहले जो ऐसे बोल रहा है क्या करेगा, इसको तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भगवान राम के बारे में सोचा, ये लड़का बहुत सुशील है, लेकिन इसके सामने एक व्यवस्था है, ये जो पत्नी है इसकी, अगर मैं इसको किसी तरह से मार दूँ, खा जाऊँ, तो ये फ्री हो जाएगा, तब मेरे साथ विवाह करेगा।
तो सीता को मारने के उपाय करने लगे, जाने लगे। तो भगवान ने अपने नाक पर इशारा किया, लक्ष्मण जी को दिखा करके, नाक और कान पर इशारा कर दिया। बस लक्ष्मण जी तलवार निकाले और जाकर झट से कान काट लिए दोनों और नाक भी पोंछ दिए। तो नाक कान बिन भय बिकरा रहा, तो बहुत विकराल बन गए, खून की धारा चलने लगी। अब रोना चालू किया फफक फफक करके, रोते रोते अभी उसी वन में खरदूषण और तृष्णा आए थे सेना लेकर, घूमते रहते राक्षस सब घूमते रहते हैं, आतंकवादी चुप से बैठते नहीं हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं बम विस्फोट, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। तो उन लोगों ने सुना उसकी शिकायत को, अयोध्या से दो लड़के आए हैं और मैं सीता नाम की लड़की को फुसला रही थी तुमसे विवाह करने के लिए, बहुत सुंदरी लड़की थी, लड़की है, तो इसी विचार से जब ही मैं विवाह का प्रस्ताव रखी, सीता जी का विवाह कराने को कह रही है। जब ही विवाह का प्रस्ताव रखी थे वहीं छोटा भाई जो बहुत बदमाश है, हमारी कान काट दी, नाक काट दिया, कान काट दिया, खूब रो रहे थे। तो खरदूषण और तृष्णा 14,000 सेना इकट्ठा किए राक्षसों की और आए। उसके पहले भगवान ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण सीता जी को लेकर के कहीं एकांत में छिपा दो, यहाँ लोग आ रहे हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूँगा। तो लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का पालन किए। जब ये राक्षस आए तो सबसे पहले पूछते हैं कहाँ तुम्हारी पत्नी है, पहले ये बताओ, हम तुमसे युद्ध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर अपनी पत्नी हाजिर करोगे तब तो छोड़ देंगे, नहीं तो युद्ध करेंगे। भगवान श्री राम ने कह दिया तुम्हारे जैसे कुत्ते हम खोजते फिरते हैं। उसके पहले